हाथरस में एक लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना के बाद अब बिहार में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात ने देश को हिलाकर रख दिया है। बिहार के बक्सर में अपने 5 साल के बेटे के साथ बैंक जा रही महिला के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया, फिर महिला को उसके बच्चे के साथ बांधकर नदी में फेंक दिया। इससे बच्चे की मौत हो गई। बक्सर के मुरार थाने के ओझा बरार गांव के रहने वाले पीड़ित महिला के पिता ने कहा कि उसकी बेटी अपने 5 साल के मासूम के साथ बैंक के लिए निकली थी, लेकिन 11 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। उन्होंने कहा कि सुबह नदी में बेटी के साथ उसका बच्चा भी बंधा हुआ मिला। महिला को तो बचा लिया गया, लेकिन मासूम को नहीं बचाया जा सका। पिता के अनुसार पीड़ित महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और फिर अगवा कर पहले गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, फिर महिला को बच्चे के साथ बांधकर नदी में फेंक दिया। पिता की माने तो जब उसकी चिल्लाने की आवाज आई तो लोग बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। महिला को नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी थी। बहरहाल अभी महिला का इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दिया है। बिहार में चुनाव शोर के बीच एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात ने यहां की सियासत में भी हलचल मचा दी है। हाथरस जैसी घटना बिहार में प्रायः हर दिन हो रही है, कुछ न्यूज में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। उसी तरह से ये घटना आ गई, इसलिए लोग जान गए। दलितों के साथ जिस तरह का उत्पीड़न और व्यभिचार का जो काम हो रहा है, वो नीतीश कुमार की सरकार ने उस पर बिल्कुल लगाने का काम नहीं किया। यूपी के हाथरस फिर राजस्थान में गैंगरेप की घटना के बाद बिहार में गैंगरेप और हत्या की कोशिश की वारदात से देश में महिला सुरक्षा पर लगातार चिंता जताई जा रही है। लेकिन बिहार चुनाव के बीच बक्सर की घटना को सियासी दल कहीं वोट की लड़ाई न बना दे, चिंता इस बात की। ब्यूरो रिपोर्ट।